अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे ट्रैवलिंग बैग बनाना। इसके लिए कपड़े की चौड़ाई 22 इंच और लंबाई मैंने इसकी 16 इंच ली है और इसको ऊपर हमने पिंटेक्स की सिलाइयाँ लगाई हैं जो कि 2.5-2.5 इंच के फासले से तिरछी सिलाइयाँ हैं और बॉक्स तैयार कर लिया। इसकी लेयर्स में हमने मेन फैब्रिक प्लास्टिक शीट है, बीच में इसके यहाँ पर पॉलिएस्टर शीट है और एंड पे लाइनिंग का कपड़ा है। और इस तरह से हमने ये दोनों पीस रेडी कर लिए हैं और बेस के लिए लंबाई मैंने 22 इंच और चौड़ाई इसकी 5 इंच ली है। तो इसको वैसे 17 इंच लेंगे लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कि बाद में किस तरह एडजस्ट करते हैं, मैंने ज़्यादा ली है। सबसे पहले हम ज़िप तैयार करेंगे। ज़िप की दोनों साइडों को सिक्योर करने के लिए 2 इंच का कपड़ा लेकर डबल फोल्ड कर लेना और दोनों तरफ इस तरह से अटैच कर देना, इससे हमारी ज़िप सिक्योर हो जाएगी। अब हमने ये हैंडल्स तैयार करने हैं। हैंडल्स के लिए मेरे पास ये रेडीमेड रोल है, इसमें से मैंने 31 इंच का ये लंबाई लेकर 2 पीस काट लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मेन फैब्रिक में ही 4 इंच का कपड़ा लेकर इस तरफ फोल्ड करेंगे और 1 इंच का तैयार करके दोनों तरफ सिलाई करेंगे। आप इसके सेंटर में पॉलिएस्टर शीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने तैयार कर दिया, ये पॉकेट के लिए हमने पीस रखा है। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले ज़िप अटैच करेंगे। ज़िप को हमने उल्टा रखना है मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से और यहाँ पर हम ज़िपर फुट के साथ अटैच कर देंगे सिलाई। और दोनों तरफ देखे मैंने 1/2 इंच इस तरह से छोड़ा जो बाद में साइड की सिलाई में काम आएगा। ये अटैच करने के बाद ज़िप को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर 2 सिलाइयाँ लगा देंगे जिससे ज़िप सिक्योर हो जाएगी। अब हमने दूसरा पीस अटैच करना है। दूसरा पीस अटैच करने के लिए उसको पहले नीचे रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ इस तरह से रह जाए तो उसे आप कट कर लेंगे। देखें दूसरा पीस नीचे रखा, इसके ऊपर हमने ये ज़िप रखी है, यहाँ पर आप सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ इसी तरह से हम फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ज़िप के साथ साथ 2-2 सिलाइयाँ दोनों तरफ लग चुकी हैं। अब हम हैंडल लगाएंगे। हैंडल्स के लिए बैग का सबसे पहले सेंटर देखेंगे। 22 इंच का 1/2 यानी कि 11 इंच है, 11 इंच पे हमने निशान लगा देना है और इसके 11 इंच को सेंटर समझकर दोनों तरफ हमने 3-3 इंच का निशान लगाना। यहाँ पर निशान लगाने के बाद हैंडल्स को हम यहाँ पर सेट करेंगे और देखें दोनों तरफ नीचे की तरफ ज़िप से लेकर नीचे की तरफ 6-6 इंच का हमने हैंडल रखना है और इसके ऊपर से दोबारा 4-4 इंच का निशान लगाना है जहाँ पर सिलाई लगेगी। तो हर पीस के ऊपर मैंने 4 इंच का निशान लगा दिया और इसके बाद यहाँ पर बॉक्स की तरह इस तरह सिलाई करेंगे और सेंटर में हम क्रॉस बना देंगे। अब एक और पट्टी तैयार करनी है जो कि मेरे पास 4 इंच की है। इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी कि ये 1.5 इंच हो जाए। आप 1 इंच, 2 इंच या 1.5 इंच की पट्टी तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे हैंडल्स को नीट करने के लिए अटैच करेंगे। दोनों तरफ 5-5 इंच का निशान लगा लेना है ताकि हमारी पट्टी की सिलाई बिल्कुल सीधी रहे। अब हमने पट्टी के दोनों तरफ सिलाई करके एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देनी है। अब एक लूप तैयार करना है। लूप के अंदर इस तरह से हमने 2 रिंग तैयार करके, इस तरह से रिंग लोहे के हैं, ये हमने यहाँ पे अटैच करने हैं और ये इस तरफ नहीं अटैच होगा बल्कि रनर वाली साइड पे हमने अटैच करना है। देखें यहाँ पे दोनों पीस इस तरह से फोल्ड करके बराबर कर लेने हैं और इसके अंदर यहीं पर हमने लूप भी अटैच कर लेना है और साथ ही सिलाई भी कर देनी है। तो इस तरफ सिलाई दोनों साइडें सिलाई कर दी हैं और ये बॉटम वाली है, बॉटम की सिलाई अभी नहीं हुई। अब हम बॉटम को अटैच करेंगे। इसके लिए सेंटर बनाएंगे बॉटम का और ये सेंटर और बैक की एक साइड की सिलाई यहाँ पर इसको सेंटर में रखेंगे सिलाई के ऊपर इस तरह से कि दोनों तरफ सिलाई के बराबर हिस्सा है, दोनों तरफ 2.5-2.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पिनअप कर लेंगे या फिर आप कच्ची सिलाई करेंगे, फिर उसके बाद आप मशीन की सिलाई करेंगे। अगर आप बॉटम के कॉर्नर्स को हल्का सा राउंड लें तो ये बिगनर्स के लिए और आसानी हो जाएगी। यहाँ पर देखें मैंने हर तरफ आहिस्ता आहिस्ता इसको बराबर करते हुए बैक के साथ बॉटम को साथ साथ ही मैंने पिनअप कर दिया।
तो दो जब हम पिनअप कर लेंगे तो दूसरी तरफ जब पहुंचेंगे ना दोनों साइडें इस तरह बराबर करके, तो एंड में हमारे पास ये पीस एक्स्ट्रा है। और अगर एक्स्ट्रा हो तो इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने ढाई ढाई इंच का दोनों तरफ निशान लेना है, क्योंकि 5 इंच की हमने बॉटम की चौड़ाई रखी हुई है, तो दोनों तरफ ढाई ढाई इंच आएगा। यहाँ पर ढाई इंच का निशान लगा के बॉटम का पीस ढाई इंच पे ला के हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी की कटिंग कर देंगे। तो अब ये हमारा बॉटम बिल्कुल फिक्स आएगा। आप इसको शुरू में भी बिल्कुल सही कटिंग कर सकते हैं, यानी कि बैक की चौड़ाई से 5 इंच हमने कम करके तो इसे अटैच कर सकते हैं आप। तो ये मैंने इस तरह से कटिंग करके सेंटर बना लिया और सेंटर को इस तरह से सिलाई के साथ अटैच करके हमने चारों तरफ से सिलाई कर देनी। सिलाई करते वक्त ध्यान रखना है कि ये साइड की सिलाइयाँ इस तरह से ओपन करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बाद में मैं इन सारी सिलाइयों के ऊपर पाइपिंग कर दूंगी। तो अब इसके बाद मैंने बैक की पॉकेट अटैच की है, जो कि शुरू में इसलिए नहीं की क्योंकि इसके ऊपर पेंटेक्स है, तो बाद में मैंने इसे तुरपाई से अंदर अटैच कर दिया है। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी इस तरह से स्टिकर्स ऊपर से अटैच कर सकते हैं।